नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे कि कब किसी निसंतान दंपत्ति को IVF की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर महिला की दोनों नले या फिलोपियन ट्यूब्स बंद है या फिर महिला की जो बच्चेदानी है उसमें फाइब्रॉइड या रसौली जैसी प्रॉब्लम है या फिर महिला को एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या है। अगर महिला की अंडेदानी में खूब सारे फॉलिकल्स यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। दूसरी ओर अगर महिला की अंडेदानी में अंडे कम है उस समय भी महिला को IVF की आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करते हैं पुरुष की। अगर पुरुष में शुक्राणु कम है या फिर शुक्राणु की जो बनावट है उसमें कोई खराबी है या फिर शुक्राणु की जो गतिशीलता है वह बहुत कम है तो भी एक निसंतान दंपति को IVF की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आपको IVF के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।